हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल दांगी एकेडमी। जैसा कि पेट वाले स्टूडेंट जो भी पेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके मेरे पास कमेंट्स आई थी कि मैम इसकी एग्ज़ाम्स कैसे होगी, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और कितनी इसकी सीटें हैं, प्लीज़ उस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको सबसे पहले प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है। तो एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें वो आप देख लीजिए कि इसमें क्या दिया है, बीएससी ऑनर्स कृषि उद्यानिकी वानिकी, ठीक है, ये दिया है यहाँ पर। तो दो ऑप्शन इसमें, यदि आप बीएससी ऑनर्स यानी इसमें करते हैं एग्रीकल्चर में, तो क्या क्या है इसके अंदर, सबसे पहले वो देख लीजिए, कृषि, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी और गणिती, अ ऑप्शन में दिया है आपको ये सब्जेक्ट्स। उसके बाद बी ऑप्शन में क्या दिया है, कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान, गणित के तत्व, फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, पशुपालन एवं कुक्कुट पालन के तत्व। अब यदि मान लीजिए कोई दो स्टूडेंट, हम एग्जांपल के तौर पर इसे समझ रहे हैं, उनके जो नंबर्स हैं वो सेम आते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो बी ग्रुप वाले स्टूडेंट रहेंगे जिन्होंने इसे सिलेक्ट किया है, उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा इनके कंपैरिजन में। मान लीजिए यदि दोनों के जो नंबर है वो सेम आते हैं, तो बी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा ए के कंपैरिजन में। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर आप बी ऑप्शन ही सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये तो अब डेट तो ओवर हो चुकी है, बट आप मन में बिल्कुल इस बात को मत लाइए कि हमने ए ऑप्शन को, क्योंकि यदि आपका ये सब्जेक्ट में अच्छी कमांड है तो आप इसमें ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी, उसमें बिल्कुल एक एक अलग अलग कॉलेज की यहाँ पर सीटें दी हुई है, मैं उसका कैलकुलेशन करके आपको प्रोवाइड करवा दूँगी कि किस में कितनी सीटें हैं, एग्रीकल्चर में कितनी है, इंजीनियरिंग में कितनी सीटें हैं, यानी कि इसमें जो दिया हुआ है आपको कृषि अभियांत्रिकी इसमें कितनी सीटें हैं। कॉलेज वाइज नहीं करके मैं टोटल सीटों का विवरण आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की कि क्या है इसका सिलेबस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको प्रिपरेशन करना है, इसको हम देख लेते हैं सबसे पहले। और इसमें ध्यान रखिए, सारी फ्री सीटें नहीं है, इसमें जो 20% सीटें हैं वो पेमेंट सीटों से भी इस पर एडमिशन हो, यानी पेमेंट देके वहाँ पर एडमिशन लिया जा सकता है। और रही बात प्रिपरेशन की, तो ऑलरेडी इस पर काफ़ी सारे वीडियो आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए पहले से ही अपलोड है, आप उन्हें भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। तो देखिए, विज्ञान एंड साइंस को हम देख लेते हैं, जो ए ग्रुप में है, सबसे पहले फिजिक्स का, तो एक एक टर्म्स को यदि मैं यहाँ पर पढ़ने बैठूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को पॉज करके, या आपने सिलेबस डाउनलोड किया होगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसमें से काफ़ी सारे ऑलरेडी जो टॉपिक्स है मैं वीडियो में आपको कवर अप करवा चुकी हूँ, और जो बचे हैं मैं आपको कोशिश करूँगी कि उनके वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो मैं टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी, उसके बाद आपको इसके टेस्ट वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके और आपको ये समझ में आ चुके कि आपने कितना कुछ सीख लिया है। तो ये फिजिक्स का सिलेबस, उसके बाद दिया है देखिए यहाँ पर ये केमिस्ट्री का सिलेबस दिया है, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा केमिस्ट्री डिवाइड है फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। और ये जनरली मैथमेटिक्स है, तो मैं सब ग्रुप ग्रुप टू और सब ग्रुप टू के जो वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ वो कॉमन वीडियो है आप लोगों के लिए, जो पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, और ग्रुप टू और सब ग्रुप के लिए, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपकी जिन्होंने भी मैथ्स सेलेक्ट किया है उनकी इसमें हेल्प हो सके, यानी जो मैथ्स का पोर्शन है उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी यहाँ से। उसके बाद दिया है आपका बायोलॉजी का पोर्शन, तो इसमें भी इसको दो ब्रांच में डिवाइड किया गया है, बॉटनी और जूलॉजी में। उसके बाद दिया है यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स का पोर्शन है ये। तो ये जो आपने 11th और 12th में पूरी आपने बायोलॉजी की बुक पढ़ी है, मैं आपको बिल्कुल यही रिकमेंडेड करूँगी कि आप उस बुक को ज़रूर रीड कीजिए, अदर राइटर की बुक भले ही आपने ले ली है, लेकिन एक बार जिससे आपने 11th और 12th पास आउट किए उस बुक को ज़रूर रीड कीजिए, आपकी 99% हेल्प उसी से हो जाएगी, क्योंकि वो टॉपिक ऑलरेडी आपके पढ़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद टैक्सोनॉमी इवोल्यूशन इकोनॉमिक जूलॉजी, तो यदि आप इस यूनिट को मैं कोशिश करूँगी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 वीडियो में ही कवर अप हो जाए, तो यदि आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, तो मैं आपके लिए इसकी वीडियो आपको नेक्स्ट वीक में ही प्रोवाइड करवा दूँगी। उसके लिए कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के तत्व दिए हैं 4th इसमें, तो ये आप देख लीजिए यहाँ पर दिया है फ्रिक्शंस, मशीन, ग्रेविटेशंस, तो ये सब आपको मिल जाएंगे आपकी ही बुक में, फिजिक्स की बुक में और केमिस्ट्री की बुक में। उसके बाद एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का दिया हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसके मैं एक एक टॉपिक के आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी, आयनिक थ्योरी, कोलोइड्स, तो कोलोइड्स का वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा दांगी एकेडमी की प्लेलिस्ट में। उसके बाद देखिए
ऑयल्स दिए, फैट्स दिए, तो ये सिंपल सी यूनिट है। उसके बाद एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स दिया है, तो मैथमेटिक्स के वीडियो आपको मिल रहे हैं इस पर डेली, तो आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद बॉटनी जूलॉजी दिया है, प्लांट एनाटॉमी और प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स। उसके बाद दिया है क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर। तो यदि आप पेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वाकई में दांगी अकेडमी के साथ करना चाहते हैं, डिटेल में वीडियो चाहते हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव पोर्शन तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, उसके साथ यदि टॉपिक वाइज डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है। एक एक यूनिट को आपको अच्छे से समझना होगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे इसको कवर अप नहीं किया जा सकता है। पहले आप टॉपिक को समझ लीजिए तो आपके ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये रहा इसका पूरा सिलेबस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।